हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटाइम एक्सेल वीबीए। सो गाइस, जो आज का हमारा ट्यूटोरियल है ये एक इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। देखिए, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या गाइस, कभी आपके पास इस तरीके का कोई सिनेरियो आया है जिसमें कि एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मल्टीपल्स, सपोज की सैकड़ों एक्सेल की फाइलें रखी हुई हैं या कोई भी दूसरी फाइल्स रखी हुई हैं, उनको आपको डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको सारी फाइलें नहीं डिलीट करनी है, आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक फाइल्स ही डिलीट करनी है और कुछ फाइलें रखनी है। देखिए, एग्जांपल मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है इस सैंपल नाम की शीट के अंदर। मेरे पास कुछ बिजनेस एंटिटी कोर्स और साथ में कुछ रिपोर्ट नेम्स हैं। ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है हर एक सेल के अंदर, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से डिलीट करनी है। ये टोटल अगर मैं इन फाइलों को देखूं तो इनका टोटल काउंट है 16। अब इसके अंदर अगर मैं फिल्टर लगा के सिर्फ कलर के बेसिस पर फिल्टर करता हूं और इनको सिलेक्ट करता हूं तो 10 फाइल ऐसी हैं जो मुझे डिलीट करनी है। तो मैं आपको एक डायनेमिक कोड सिखाने जा रहा हूं जिसमें कि अगर कल की डेट में आप लोगों के पास ये 1600 ही अगर एंट्रीज भी 1600 16000 कुछ भी, तो ये कोड डायनेमिकली आपके लिए काम करेगा। जो फाइलें आपको रखनी होंगी ये उन फाइलों को रखेगा और स्पेसिफिक फाइल्स को डिलीट कर देगा। तो ट्यूटोरियल को शुरू से लेकर एंड तक की जरूर देखिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक डिलीट फ्रॉम दिस फोल्डर करके मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो गाइस देखिए, इसके अंदर जो टोटल फाइलें हैं ये 16 फाइल है। इन 16 फाइलों में से ये वही फाइलों के नेम्स हैं जो मेरी एक्सेल की वर्कबुक के अंदर है। यहाँ पर अब जिन जिन के ऊपर मैंने ये रेड कलर हाईलाइट किया हुआ, ये फाइलें मुझे डिलीट करनी है। तो इनको डिलीट करने के लिए मैकेनिज्म कैसे बनेगा, सबसे पहले मुझे एक लोकेशन देनी होगी। तो लोकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, आप कोई से भी एक्सेल के अंदर जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये फाइलें रखी हैं वहां का पाथ इस तरीके से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप इसको अपने एक्सेल की फाइल में मेंशन कर दीजिए इस तरीके से। देन हम लोग डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे चले जाते हैं एंड देन आई विल इंसर्ट वन मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा सब डिलीट फाइल्स फ्रॉम फोल्डर, डिलीट फाइल्स फोल्डर लिख देते हैं। देन अब मुझे गाइस कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी। तो जैसा कि मेरी एक्सेल की फाइल है, मैं किसी के बेसिस पर अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करके और देन आई विल स्टार्ट राइटिंग द एंटायर कोड। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ dim r as range, ये मैंने पहला वेरिएबल ले लिया। dim my range, एक मुझे एंटायर रेंज बनानी है जो कि डायनेमिक होगी, तो उसके लिए मैंने बोल दिया my range as range। देन मैंने बोल दिया dim path string, एक पाथ भी ले लिया। एंड dim ws as वर्कशीट, सबसे पहले इस वर्कशीट को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोल दिया WSS equals to sheet, इस पर्टिकुलर शीट के अंदर हम काम कर रहे हैं सैंपल नाम की, तो यहां पर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूंगा डबल कोटेशन के अंदर। देन मुझे एक लास्ट रो की भी जरूरत होगी, तो लास्ट रो के केस के अंदर मैं क्या करूंगा गाइस, क्योंकि मेरा जो डेटा मुझे ए कॉलम में भी नजर आ रहा है तो लास्ट रो हम यहां से ले सकते हैं। तो मैं बोलूंगा WSS.cells.count,1.endExcelUp.row। Then अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने अपनी रेंज डिफाइन की है इस रेंज को भी हम लोग यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर मैं सेट कीवर्ड यूज करना भूल गया था। जब भी अगर आप कोई शीट को डिफाइन करते हैं तो सेट कीवर्ड का यूज होता है, सिमिलरली फॉर रेंज। तो रेंज के केस के अंदर भी हम सेट कीवर्ड का यूज करेंगे।
तो गाइस यहां पर जो मेरा कोड रन करेगा वो चेक करेगा एक एक सेल को इस पर्टिकुलर बी कॉलम के अंदर। तो रेंज कैसे बनेगी, मैं बोलता हूँ डब्ल्यू एस एस डॉट रेंज, डेटा मेरा बी टू सेल से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने बोला बी टू बी, क्योंकि एंड पॉइंट मुझे पता नहीं है और इसके साथ मैं लास्ट फोर को कॉन्कैटिनेट करा लूंगा गाइस, ताकि ये रेंज में डायनेमिक बना सकूं। नाउ ये तीन चीजें हम डिफाइन कर चुके हैं, अब इसके बाद मैं अपना लूप रन करूंगा। तो मैं बोलता हूँ फॉर ईच आर, यानी कि ये जो मैंने वेरिएबल लिया है इन माय रेंज, जो मैंने डायनेमिक रेंज क्रिएट की है, देन ऑन एरर, अगर कोई एरर आता है तो ये इसको स्किप कर देगा। अब यहां पर मैं अपनी कंडीशन दूंगा गाइस, तो कंडीशन क्या है, यहां पर रेड कलर आए तो मैं रेड कलर के बेसिस पर एक एक सेल को चेक कराऊंगा। तो कंडीशन कैसे बनेगी, मैं बोलता हूं इफ आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू बीबी रेड, देन अगर ये इसको रेड मिलता है तो क्या होना चाहिए गाइस, तो उस केस के अंदर मैं चाहता हूं ये क्या करे, किल, किसी भी फाइल को डिलीट कराने के लिए किल कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो किल कहां से करेगा, ये किल के अंदर ये इसका सिंटैक्स बोल रहा है पाथ नेम, तो मैं ये जो हमने यहां पर अपना पाथ बनाया था ओके, तो पाथ मैंने अभी यहां पर मेंशन नहीं किया, तो लेट मी डिफाइन माय पाथ एज वेल। ये पाथ क्या होगा गाइस, डब्ल्यू एस एस डॉट रेंज, ये हमने पाथ लिखा हुआ डी वन पे, तो इस डी वन को यहां से कॉपी करके इसके अंदर डाल दीजिए, इसकी जो भी वैल्यू है वो हमारा पाथ है। तो यहां पर मैंने लिख दिया पाथ, देन कॉन्कैटिनेट कराइए स्लैश को इसके साथ, देन आप बोल दीजिए जो भी उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू है, एंड देन फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो गाइस देखिए यहां पर चीज ध्यान देने लायक है, अभी मैं यहां पर एक्सेल एस एक्स लिख रहा हूं क्योंकि तो वो सारी फाइल है एक्सेल एस एक्स फॉर्मेट में, कल की डेट में वो किसी भी फॉर्मेट में होती हैं, टीएक्सटी फॉर्मेट में होती हैं, डॉक फॉर्मेट में होती हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में होती हैं, अगर वो किसी भी फॉर्मेट में है तो आपको यहाँ पर आके उसका एक्सटेंशन चेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है, ये डायनेमिकली काम करेगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये काम करने के बाद आप अपनी इफ के स्टेटमेंट को बंद कर दीजिए, देन अपना लूप भी बंद कर दीजिए नेक्स्ट आर, एंड लास्ट में आप डाल दीजिए ऑन एरर गो गो टू जीरो, ताकि ये मेमोरी रिलीज कर दे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोड गाइस, अब इस कोड को हम एक एक करके चेक करते हैं। सो लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर फोल्डर। तो अगर मैं गाइस इधर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं और मैं फिल्टर बाय कलर में नो फिल सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए दिसंबर 21, फरवरी 22, जनवरी 22, मार्च 22, मई 21 और अक्टूबर 21, ये मेरे पास 6 फाइलें ऐसी हैं जो मुझे डिलीट नहीं करनी है। तो चेक करते हैं कि कोड रन करने के बाद क्या मेरी यही फाइलें वहां पर बचती हैं। तो लेट मी ओपन द फिल्टर एंड रन दिस कोड वन बाय वन। तो ये मैं आपको गाइस ऑल टुगेदर इसके साथ दिखाना चाहूंगा, इस फोल्डर के साथ। तो देखिए अब मैं इस कोड को थोड़ा सा यहां पर करके रन करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा और ये यहां पर 16 का काउंट आ रहा है, 16 आइटम ये बोलता है। तो अभी आप देखिएगा कि जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो रन करने के बाद हमारे पास टोटल कितनी आइटम बचती हैं, ठीक है। तो जस्ट होल्ड डाउन, ये एक्सेल को मैं यहां पर लेके गया हूं, तो ये कुछ पॉपअप आ गया है यहां पर, तो एक बार जरा ये पॉपअप हट जाए फिर मैं कोड को रन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस F8, ठीक है, लास्ट को इसने डिफाइन कर ली होगी, लास्ट को का काउंट कितना आ रहा है 17, एक क्योंकि हेडर है, तो देखिए गाइस यहाँ पर 15 आइटम रह गई हैं। अब ये लूप एक एक करके ऐसे ऐसे चेक करता रहेगा, 14 आइटम रह गई हैं, 13 आइटम, तो इसको रन होने दीजिए 8 आइटम, तो वी हैव ओनली 6 आइटम्स लेफ्ट, अब ये लूप से बाहर आ जाएगा।
चेक करने के बाद। छह आइटम्स के ज्यादा तो ये जाएगा नहीं आई गेस। ये हमारे पास वो फाइलें बची हैं गाइस, मेरे को इसको थोड़ा सा छोटा करने दीजिए एंड देन मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर लगा के हम सिर्फ उन फाइलों को चेक कर लेते हैं जो कि नो फिल में पड़ी हुई है। अब हम अपना फोल्डर भी ओपन कर लेते हैं तो मैच कर लेते हैं गाइस। देखिए फाइनेंस रिपोर्ट दिसंबर 21 तो ये मुझे यहाँ नजर आ रही है, फेब 22 यहाँ नजर आ रही है, जनवरी 22, मार्च 22, मई 22 और अक्टूबर 21। बाकी की सारी फाइलें इसने डिलीट कर दी है एज कंपेयर टू, मतलब अगर देखा जाए तो। ठीक है जी, अब ये क्योंकि मैंने आपको एक एक करके रन करके दिखाया था तो उस चीज में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा था इस चीज को देखने में। मैं ये चाहूंगा कि मैं एक क्लिक में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि क्या मेरा कोड एक क्लिक में मेरे को सारी फाइलें कितनी तेजी से डिलीट करके दे रहा है। तो लेट मी ओपन दिस फोल्डर, ठीक है, एंड मैं यहाँ से सारी फाइलों को डिलीट कराऊंगा क्योंकि मैंने इसका एक बैकअप तैयार करके रखा हुआ पहले से यहाँ पर, और इसमें वो सारी 16 फाइलें ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो मैं सारी 16 फाइल्स को कॉपी करके वापस से अपने इस फोल्डर में रख देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से रख के मैं आपको दिखा देता हूँ इनका काउंट अभी भी 16 आ रहा है। और अब हम बैकअप वाली फाइल को बंद करके, ये डिलीट फ्रॉम दिस फोल्डर वाला फोल्डर है, तो चलिए अपने कोड में एंड यहाँ पर वो जो मैक्रो है क्योंकि हमने इसको मॉड्यूल में किया हुआ है तो मैं क्या करूंगा इंसर्ट में जाके यहां से एक शेप ले लेते हैं। ये एक मैंने बटन यहां पर क्रिएट कर दिया है एंड इस बटन को हम रन करेंगे। ये मेरा बटन है, राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो कीजिए एंड ये वाला हमारा कोड है तो इसको मुझे डिलीट दिस फाइल वाले में रन करना है, ओके करके। अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए टोटल 16 फाइल है तो मुझे इसमें एक बार इसको बंद करके बस इस बटन पे क्लिक करना है। मैंने बटन पे क्लिक कर दिया गया, ये देखिए इसके अंदर से भी आपकी 6 रिपोर्टें रह गई हैं जो कि मुझे चाहिए थी। तो कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आज इसके अंदर सिर्फ 16 फाइलें पड़ी हुई थी, कल की डेट में इसके अंदर अगर 1000 फाइल्स भी पड़ी हैं और जिसके अंदर की मैनुअली अगर आपको फाइलें डिलीट करनी हो बेसिस ऑफ दी सेल वैल्यू तो वहां पर आप लोगों के लिए मैनुअल टास्क बड़ा टेडियस हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस कोड की मदद से आप बड़े आराम से इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस तरीके की रिपोर्टिंग में काम करते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नॉलेजफुल एंड लाइक इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।